हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कोई भी बेकार पैंट की मदद से बनाएंगे, बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आई होप आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बेकार जीन्स ली हुई है और आप पैंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बेकार जीन्स का यूज़ किया है और आप इसकी जगह पर कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पहले कटिंग करेंगे। तो एक साइड से हम पहले इसकी कटिंग करेंगे और हमें एक स्क्वायर पीस कट करना है 4x4 इंच का। तो पहले हम नीचे से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर पीस कट करेंगे। तो यहाँ से हम इस पर निशान लगा लेंगे और आप इतना मेज़र कर भी कट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ड्राफ्ट बना लें, उसके हिसाब से भी आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 4 इंच पर कट करूँगी। ऐसे करते हुए आप दो पीसेस निकाल सकते हैं और एक साइड से आप कटिंग कर ले तो आप इस तरीके से एक पीस निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम ऐसे कटिंग कर लेंगे इसकी। और इसी तरीके से हम और भी पीसेस कट करेंगे, कलरफुल पीसेस कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े का भी यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कपड़ा भी लिया हुआ है और जीन्स का भी कपड़ा लिया हुआ है। तो दो तरीके से मैं इसका यूज़ करूँगी। और अब हमें इसको सबसे पहले जॉइंट करना है। तो जॉइंट हमें कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पीस इसका लेना है, 3 का पीस हमें लगाना है। तो एक लाइन में हमें 3 पीसेस रखने हैं। तो आप इसी तरीके से कंट्रास्ट मिलाकर 3 पीसेस आप रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 3 पीसेस हम जॉइंट करेंगे, कोई भी 3 कलर आप लगा दें। और यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो आप इस तरीके से 4 का भी पीस बना सकते हैं, 3 का भी पीस बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 का पीस बनाऊंगी। और इस तरीके से आप इसको सेट कर लें जिधर आपको अच्छा लगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो दूसरी लाइन भी हम बनाएंगे, तो दूसरी लाइन में भी हम इधर उधर कपड़े की पीसेस करके लगाएंगे। तो ये हम मल्टी कलर में बना रहे हैं तो इसलिए हम अलग अलग इसमें कपड़े को रखेंगे। और यहाँ से हम अब ये पीसेस हम जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने 9 पीस का ये बनाया हुआ है, तो 9 पीस का हमें ऐसे ही 6 बना लेना है। तो बहुत ही इजी ये बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे। पहले हम तीनों पीसेस जॉइंट करेंगे और फिर तीनों लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए तीनों पीसेस मैंने जॉइंट कर लिए हैं और अब ये तीनों लाइंस हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे और इसी तरीके से हम और भी पीसेस बना लेंगे। तो हमें 6 साइड के लिए इसको बनाना है, तो ये मैंने एक साइड का बनाया है। आप 6 पीसेस बनाएंगे तो ये 6 साइड का हो जाएगा। तो ये मेरा एक पीस बनकर पूरा तैयार हो गया है। और ऐसे ही अब हमें दूसरा बनाना है, फिर तीसरा। ऐसे करते हुए हमें 6 पीसेस बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने बना दिए हैं, ये सारे मैंने अलग अलग कपड़े जॉइंट किए हैं। आप और भी कपड़े लगा सकते हैं इसमें, जितना कलर आप लगाएंगे उतना ये प्यारा लगेगा। और यहाँ से हम इसको अब जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने देखिए 9 पीस के 2 पार्ट यहाँ पे रखे हैं, तो इसको हम जॉइंट कर लेंगे। और ऐसे ही हमें 3 पार्ट इसमें जॉइंट कर लेना है। तो 1, 2, 3 9 पार्ट का हमने जॉइंट कर लिया है। तो देखिए ये मैंने जॉइंट कर लिया है यहाँ से, ये
हो गया है, 9 लाइन ये हमारी हो गई है। और जो बीच वाला 3 पार्ट है हमारा, उसमें हम एक पार्ट और उस साइड दोनों साइड ज्वाइंट कर लेंगे। तो मैं बता देती हूँ कैसे। एक पीस हम लेंगे और इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसको भी हम ज्वाइंट कर लेंगे, और ऐसा ही एक पीस हम इसके इस साइड रखेंगे, इसको भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए कि मैंने ज्वाइंट कर लिया है, और ऐसा ही हम इधर भी ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से हम इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है, और अब हमें साइड साइड से आपस में इसको ज्वाइंट कर देना है। तो एक ये पार्ट हम उठाएंगे और इसको हम यहाँ से लास्ट में इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ से हम स्टिचिंग लगाएंगे, फिर दूसरे साइड वाला भी हम ऐसे ही ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ से हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये हमारा 5 पीस हमने इसमें ज्वाइंट कर लिया है, चारों तरफ से हम बंद कर लेंगे। तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसको बंद कर दिया है, और एक पार्ट अब हम नीचे की ओर लगाएंगे। ये मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ कि चारों तरफ से मैंने इसको बंद कर दिया है, और अब हमें एक पार्ट नीचे की ओर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इसे लिया और इसको अब हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसमें एक पार्ट ज्वाइंट कर लेंगे। चारों तरफ से हमें ज्वाइंट नहीं करना है, एक साइड हमें ओपन रखना है इसको फिलिंग करने के लिए, और बीच के ही पार्ट से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद देखिए ये मैंने एक साइड का अभी ओपन रखा है इसको फिलिंग करने के लिए, बाकी का मैंने सारा ज्वाइंट कर लिया है 3 साइड। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें बेकार कपड़े वगैरह कॉटन्स वगैरह सब इसमें फिल कर देंगे, अच्छे से टाइटली इसकी फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे वेस्ट कपड़े इसमें फिल करूँगी, ये काफ़ी बड़ा है तो अच्छे से इसमें काफ़ी सारे वेस्ट कपड़े आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसमें और भी अच्छे से फिलिंग करेंगे। और इसके कॉर्नर्स को भी हम अच्छे से फिल करेंगे। तो ये देखिए मैंने खूब अच्छे से टाइटली इसको फिल कर दिया है, और अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो सुई धागे की मदद से हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। आप इसमें अच्छे से स्टिचिंग कर दें ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। तो ये देखिए ये मैंने काफ़ी अच्छे से इसको फिक्स कर दिया है। अब हम बीच के सेंटर में यहाँ पर बटन्स लगाएंगे, तो आप होममेड बटन बनाकर लगा सकते हैं, या तो फिर आप मार्केट से भी बटन मंगा कर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पुराना बटन था, तो मैं येलो कलर का इस पर बटन बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इस पर येलो कपड़ा कवर कर रही हूँ। और इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा सुई धागे से स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा बटन को राउंड करना है। राउंड करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए ये हो गया है, और यहाँ पे अब हम इसको फिक्स कर लेंगे। ऐसे ही हमें चारों तरफ कर लेना है। मल्टी कलर में आप बनाकर बटन को लगा सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ये 4 पीस मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप हर तरफ लगा सकते हैं या एक साइड में भी लगा सकते हैं,
दो साइड में भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से ये बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस तरीके से आप इसको स्टडी टेबल की तरह बनाकर यूज़ कर सकते हैं, इसमें बुक्स वगैरह कॉर्नर में रख सकते हैं, और इसको छोटा सा सोफ़ा बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो इसमें सारे वेस्ट कपड़े भी फिल हो गए हैं और काफ़ी अच्छा बन के रेडी भी हो गया है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।